गुड मॉर्निंग क्लास 7। देखिए बच्चों, आपके एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। अभी हमको आगे कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमें कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 5 से सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2 माइनस 4/5 ऑफ ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4। ये हो जाएगा 1/2 माइनस, ये ऑफ को हमने लगा दिया मल्टीप्लीकेशन, ऑफ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये 4/5 प्लस 1/4, ये हो गया हमारा 1/2। ये ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4/5, ये है प्लस 1/4। अब हम 2, 5 और 4 का एलसीएम अगर ले लेते हैं, 2, 5, 4 का, तो ये हमें एलसीएम मिल जाएगा 20, ठीक है बच्चों। एलसीएम मिल गया 20, 2 से 20 में डिवाइड करेंगे आएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये आ जाएगा हमारा 10। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमने पहले बता चुका है आपको, ठीक है। 5 से हम 20 में डिवाइड करेंगे तो 5, 4 जा 20, 4 टाइम आएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, प्लस 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए बच्चों, प्लस वाले नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा 10 और एक है हमारा 5, तो 10 और 5 को हमने एक साथ ले लिया, 10 प्लस 5, और ये हमारा माइनस 16, 10 और 5 मिलके हो जाएगा 15, और ये है माइनस 16, और ये है अपॉन 20, तो 15 माइनस 16, ठीक है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना है हमें, 15 माइनस 16 हम करेंगे तो हमें मिलेगा -1, ठीक है। 15 में से 16 को माइनस करें, छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करते हैं तो आगे हमें माइनस लगाना होता है, तो 15 माइनस 16 हो जाएगा -1 और अपॉन 20। ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 and 4 and 2/3 मल्टीप्लाई 5 and 4/7 और डिवाइडेड बाई है 3 and 1/4, ठीक है बच्चों। ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल में चेंज करते हैं, 3 5 जा 3 4 जा 12 और 2 14/3, 5 7 जा 35 और 4 39/7 हो जाएगा, इसको भी कर लेते हैं, 4 3 जा 12 और 1 13/4, ठीक है, ये हमने कर लिया। अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जो नंबर कट रहे हैं उनको हम काट लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 से 39 को काटेंगे आ जाएगा 13, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये पलट जाएगा, 13/4 है, ये हो जाएगा 4/13, ठीक है बच्चों। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। इसके बाद देखिए ये है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 2 है मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 4/13, अब ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारा 2 मल्टीप्लाई 4 मिल के हो जाएगा हमारा 8, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक ही जैसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/5 और डिवाइडेड बाई 9/4 डिवाइडेड बाई 3/10, ये दिया हुआ है, ये है 3/2, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, 4/5 की जगह 5/4 हो जाएगा, ये है डिवाइडेड, ये 9/4 है, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 2 4 जा 8, ठीक है, ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा, जब भी डिवाइड रहता है डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको हम पलट देते हैं, ये 4/5 है तो उसको हम पलट देंगे 5/4 कर देंगे, यहाँ भी वैसे ही है 3/10 है तो इसको हम 10/3 कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 3 5 जा 15 और 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 9 10 जा 90 और 4 3 जा 12, यहाँ भी वापस डिवाइड दिया हुआ है,
इस डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई में करेंगे चेंज, तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ चेंज किया था उसी तरह से यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो ये 90/12 है, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 12/90। इसके बाद हम बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं, 15 6 90, ठीक है, 15 6 90, और इसको कर लेते हैं 4 2 8, 4 3 12। इसको हमने 4 से डिवाइड कर लिया और इसको हमने कर लिया 15 से, 15 6 90। इसके बाद बच्चों ये 3 1 3, ये देखिए इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, 3 से 6 को डिवाइड कर लिया, ये हो गया 2। तो ऊपर बचा हमारा 1 और ये है 2 2 4, ठीक है, यहाँ बचेगा 2 और ये 2 2 मिलके हो जाएगा 2 2 4। तो ये बच्चों आ गया हमारा आंसर 1/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन ये कर देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद जो जो हमने इसमें बीच में छोड़ा है उसको आपको खुद से करना है, उसको खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों क्या दिया है, 4/9 × 15/20, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको तो हमने पहले क्या किया, 4/9 है, इसको हमने डिवाइड कर लिया पहले, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 से हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड बाई ये है 8/5। ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/6, 6/5 है तो ये 5/6 हो जाएगा। अभी देखिए बच्चों इसके बाद हमने क्या किया, ये 4/4 डिवाइड हो गया और 3 1 3, 3 3 9, ठीक है, ये 4/4 डिवाइड हो जाएगा और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ये डिवाइडेड बाई 5/5 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 8/6 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 2 3 6 और 2 4 8, ठीक है, इसको भी हमने डिवाइड कर लिया। जो नंबर कट रहे हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 4/4 हमने काट लिया और ये 3 से 9 को डिवाइड कर दिया 3, ये हमने 5/5 डिवाइड कर दिया, इसको हमने 2 से कर दिया, 2 3 6 और 2 4 8। अब ये बचा हमारा 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, नीचे 3 का 3, 3 का 1 में करेंगे आ जाएगा 3। ये देखिए बच्चों डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, 4/3 की जगह ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये 3 और 3 कट गया, ऊपर बचा हमारा 1 और नीचे हमारा है 4, ये भी आंसर आ गया हमारा 1/4। इसमें देखिए बच्चों 1 2, ये 4 7, ठीक है, ये कर दिया हमने। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आप एक बार ट्राई करके इनको कर लीजिएगा। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज इस साइड इज 3 and 4/5, ठीक है, हमें पूछा गया है एरिया पूछा गया है स्क्वायर का, जबकि उसका साइड है 3 and 4/5। देखिए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड कितना दिया स्क्वायर का, 3 and 4/5, ये दिया हुआ है साइड स्क्वायर का। इसको हम मिक्स्ड को पहले सिंपल में चेंज कर लेते हैं, 5 3 15 और 4, 15 और 4 हो जाएगा 19/5 सेंटीमीटर। ये तो इसकी साइड हो गई, पूछा क्या गया है इसका, एरिया पूछा गया है, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, ये हो जाएगा हमारा 19/5 × 19/5, 19 का मल्टीप्लाई कर लिया ये हो गया 361 और 5 5 हो गया 25, ये बच्चों हमारा निकल गया एरिया। तो ये बहुत ही सिंपल था, इसमें साइड दिया था स्क्वायर का, साइड दिया हुआ है, हमें पूछा था एरिया, एरिया का आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब साइड का साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। और इसका साइड पहले से दिया हुआ था, मिक्स्ड में दिया हुआ था, मिक्स्ड को पहले सिंपल में चेंज कर लेंगे, ठीक है, सिंपल में चेंज करने के बाद एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड इसका दिया हुआ है 19/5 और मल्टीप्लाई 19/5, ठीक है, 19 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 25, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है बट आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर का फार्मूला लर्न होगा तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन। ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/6 सो एज टू गेट 4/9। इसका कहने का मतलब है
कि इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको ये वाला नंबर मिल जाए, ठीक है। माइनस सेवन अपॉन सिक्स में कौन सा नंबर ऐड करें कि ये नंबर मिल जाए। जैसे कहने का मतलब ये दिया है कि हम फोर में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें नाइन मिल जाए। तो फोर में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें नाइन मिल जाएगा, फोर में अगर हम फाइव ऐड करते हैं तो हमें नाइन मिल जाएगा। तो ये फाइव कहाँ से आया, इस नाइन में से हम फोर को माइनस कर लेते हैं। नाइन में से अगर हम फोर को माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइव, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता करना होता है कि फोर में हम क्या ऐड करें कि हमें नाइन मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, नाइन में से फोर को इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। नाइन में से फोर को माइनस कर लीजिए, पता पड़ जाएगा कि क्या हमको माइनस करना है। तो इसी तरह सेम सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस सेवन अपॉन सिक्स सो एज टू गेट फोर अपॉन नाइन, ठीक है। तो देखिए इसको हमने कर लिया यहाँ पे, फोर अपॉन नाइन में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया माइनस सेवन अपॉन सिक्स को। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि फोर में हम क्या ऐड करें कि हमको नाइन मिल जाए, तो हमको क्या करना होता है, नाइन में से माइनस करना होता है फोर को। मतलब जो पीछे वाला नंबर है, फोर में हम क्या ऐड करें कि हमको नाइन मिल जाए, तो हमें क्या करना होता है, नाइन में से हमको फोर को माइनस करना होता है। वही काम हमने यहाँ भी किया है। यहाँ देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस सेवन अपॉन सिक्स टू गेट फोर अपॉन नाइन, ठीक है, फोर अपॉन नाइन मिल जाए। मतलब हमें फोर अपॉन नाइन में से माइनस करना है किसको, माइनस सेवन अपॉन सिक्स को। ये है फोर अपॉन नाइन माइनस ब्रैकेट में माइनस सेवन अपॉन सिक्स। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। फोर में हम क्या ऐड करें कि नाइन मिल जाए, तो हमें क्या करना है, नाइन में से फोर को माइनस करना है। यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है, यहाँ भी वही सेम टू सेम है। माइनस सेवन अपॉन सिक्स में क्या ऐड करें कि हमको फोर अपॉन नाइन मिल जाए, तो हमें क्या करना होगा, फोर अपॉन नाइन में से माइनस करना होगा इसको, ठीक है। तो फोर अपॉन नाइन में से माइनस करेंगे माइनस सेवन अपॉन सिक्स को, ठीक है। तो अब देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है पहले से, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। एक माइनस तो हमको लगाना ही है और एक माइनस यहाँ पे पहले से दिया हुआ है माइनस सेवन अपॉन सिक्स, तो माइनस है ये भी ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है। नाइन और सिक्स का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा एट्टीन। एलसीएम लेने आप लोग को आता बच्चों, ठीक है। ये हो गया थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू, ये हो जाएगा हमारा एट्टीन। एलसीएम आ गया हमारा एट्टीन, ये ऊपर हमारा फोर मल्टीप्लाई नाइन से हमने एट्टीन में डिवाइड किया तो आ जाएगा हमारा टू। नाइन से एटीन में डिवाइड किया था टू, टू हमने ऊपर लिख दिया, प्लस ये है सेवन मल्टीप्लाई सिक्स से हमने एटीन में डिवाइड किया तो हो जाएगा हमारा थ्री। ये हो गया हमारा फोर टू ज़ा एट प्लस सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन अपॉन एटीन। इनको ऐड कर लेते हैं ट्वेंटी वन और एट को, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी नाइन अपॉन एटीन, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, क्वेश्चन नंबर एट देखिए बच्चों क्या दिया है। द कॉस्ट ऑफ टू एंड थ्री अपॉन फोर मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ सेवेंटी थ्री एंड वन अपॉन थ्री, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे बुक आ गई है पर मीटर, इसके पर मीटर का क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ देखिए बच्चों क्या दिया है। द कॉस्ट ऑफ टू एंड थ्री अपॉन फोर मीटर क्लॉथ, टू एंड थ्री अपॉन फोर मीटर क्लॉथ का रेट दिया हुआ है सेवेंटी थ्री एंड वन अपॉन थ्री, इतनी रुपीस। पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ, तो हमें क्या करना होगा, इससे इसमें डिवाइड करना होगा। जैसे देखिए टेन मीटर क्लॉथ का अगर रेट दे दिया जाए हमें वन हंड्रेड फिफ्टीन रुपीज़, 10 मीटर क्लॉथ का अगर रेट हमें दिया हो 115 रुपीज़ और हमें पूछा जाए 1 मीटर क्लॉथ का रेट क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, 150 में हम डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है बच्चों। ऐसे ही करेंगे, 10 मीटर अगर क्लॉथ का रेट अगर हमें 150 रुपीज़ दिया है और क्वेश्चन पूछा गया है 1 मीटर क्लॉथ का, तो हम क्या करेंगे, टोटल 150 में डिवाइड कर देंगे 10 से, ये हो जाएगा हमारा 15। सेम टू सेम यही काम हमें यहाँ भी करना है।
टू एंड थ्री अपॉन फोर मीटर क्लॉथ का रेट दिया हुआ है 73 and 1/3 इतने रुपीज़ पूछा गया है कॉस्ट ऑफ वन मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें डिवाइड करना होगा इससे। जैसे मैंने ये बताया आपको सेम टू सेम यही है, 10 मीटर का अगर रेट दिया हुआ है 150 रुपीज़ और 1 मीटर का पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल 150 में डिवाइड कर लेंगे 10 मीटर से। ठीक है, वैसे यहाँ भी है सेम टू सेम क्वेश्चन, टू एंड थ्री अपॉन फोर मीटर का रेट दिया हुआ इतना और 1 मीटर का पूछा गया है तो हमें इसमें डिवाइड करना होगा इससे। जी देखिए हमने डिवाइड कर दिया है 73 and 1/3 डिवाइडेड बाई 2 and 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, मिक्स्ड को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर लिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, ये 11 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 20, ये 4 वैसे ही है, 3 वैसे ही है, ये हो गया 24 80/3, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक देखिए हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको आप बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप कर लीजिएगा और इसको वापस से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अपने CW कॉपी में इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। ठीक है, इसको पूरी अच्छी तरीके से डन करके इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आगे इसमें देखिए 2 ही क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।